रिपोर्ट्स। तो ये क्या है कि आपके टेबल में भी डेटा है, आपके क्यूरी के अंदर भी डेटा है। अब इसको अगर आप एक्सपोर्ट करना यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जाए, एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट करना जाए, तो इसको आप एक्सेल में या टेक्स्ट में या पीडीएफ में या ईमेल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक्सपोर्ट जब होगा तो एक डेटा फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट होगा, एक रिपोर्ट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि डेटा एक रिपोर्ट फॉर्मेट में हो, जैसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो स्टेटमेंट में ऊपर में बैंक के कुछ हेडिंग्स होते हैं ना, हाँ सर, कि कौन सा नाम है, क्या है, एड्रेस पता, अकाउंट नंबर वगैरह, फिर नीचे आपके डेटा टेबल्स होते हैं। तो चीज हम क्रिएट रिपोर्ट्स में करते हैं। तो रिपोर्ट्स, रिपोर्ट डिजाइन, ब्लैंक रिपोर्ट और बाकी चीज आती है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट जैसे डिजाइन क्वेरी में था ना, ये आपको यहाँ बना के दे देता है। जहां पे ये आपके क्यूरी वन लिखा हुआ, अभी इसमें आप लिख सकते हैं ऑल डेटा। यहाँ पे आप अपने हेडिंग्स, अपने ये डाल सकते हैं, जो आइकन्स है वो यहाँ आप अपना आइकन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद बाय डिफॉल्ट डेट और टाइम आपका आ जाता है, और ये आपका पूरा डेटा यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो होगा। पेज नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी आपको दिखाएगा कि पेज नंबर क्या है, ठीक है। ठीक है सर। अब मुझे मान लीजिए मैंने इस पे कर्सर रखा और यहाँ पे कर दिया टोटल। टोटल में क्या चाहिए, सम। फरवरी में भी सिलेक्ट किया, अब सम किया तो नीचे आके देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका सम दिख गया, ऐसा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद इसका भी इसी तरह से हम यहीं पे टोटल करने के लिए मुझे हेडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, तब टोटल होता है। टोटल में सम, ठीक है, ठीक है सर। आपका सम आ गया सर। हाँ सर। अब इसको सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से और जो कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहो तो कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग करना, जैसे बोल्ड करना है आपको, इसको भी बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड करना है, मुझे सबको सेलेक्ट करके अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ठीक है सर। ये आपका, अब पीछे इतना फालतू डेटा बच रहा है, इसको अपने हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि ऊपर का जगह थोड़ा छूट जाए, नीचे से स्टार्ट हो, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। इसके अलावा इसमें आप, अगर आप इसी पे आते हैं अरेंज में फॉर्मेट एक सेटअप पेस, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में यहाँ कुछ बटन्स या कुछ तरह के कंट्रोल आपको डिजाइन करने हैं तो यहाँ से वो डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा। थीम्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हाइड एंड शो डिटेल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आपको पूरा का पूरा डिटेल नहीं शो करना है, टोटल शो करना है या कैलकुलेशन शो करना है, तो वो भी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके सर। टाइटल आपको डालना है तो टाइटल भी यहाँ, टाइटल पे आ गया, पहले से डाला हुआ टाइटल चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर हो गया, डेट टाइम यहाँ पे आपको दिख ही रहा है रिपोर्ट लेआउट पे। रेंज में आप आते हैं तो गिरलाइन आपको देना है, बोथ देना है या फिर बॉटम्स में देना है या देना ही नहीं है, या वर्टिकल देना है या देना है तो कलर कैसा होना चाहिए, तो जो लाइनिंग है उसका डिसाइड कर सकते हैं। ओके सर। देता है स्टैक, ये जो खाने दिख रहे हैं इसको बोला जाता है स्टैक। स्टैक कैसा होना चाहिए ये आपको दिख रहा है, हाँ सर। टेबुलर, टेबुलर में आएगा, स्टैक में आएगा या गिरलाइन बोथ में आइए, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक ओके सर। है। ठीक है सर। स्टैक कर दिया तो कुछ इस तरह से हो गया, एक करके टेबुलर कर दिया तो टेबुलर तो है ही। अब इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे में अगर कुछ इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट अबव, यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ टाइप करना है आपको, कुछ मैसेज देना है, कस्टमाइज
बिलो करना है, लेफ्ट राइट करना है, सेलेक्ट कॉलम करना है, मर्ज करना है दो तीन सेलेक्ट को, तो मर्ज भी कर सकते हैं आप, या एक्सेल की तरह इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में इसकी फॉर्मेटिंग है कि कैसी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, क्या यहाँ चाहिए सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, उसके बाद इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड कर दूँ तो रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तो जो यहाँ से डिसाइड करेंगे बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए वो यहाँ से आपका आएगा। पेज सेटिंग में पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, पेज की सेटअप क्या है, मार्जिन कितना होना चाहिए, पेज की साइज कितनी होनी चाहिए, वो आप कर लेंगे। तो फाइनलाइज जब हो जाता है, फाइनलाइज जब हो जाएगा तो आप क्या करें, प्रिंट का ना, इसको सेव करना है आपको, ठीक है। प्रीऑर्डर ठीक है सर। की जगह पे मैं यहाँ पे ले देता हूँ रिपोर्ट ऑल डेटा, ठीक है सर। हाँ समझा सर। अब इस देखिए रिपोर्ट ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का रिपोर्ट बन के आ रहा है। हाँ बन के आया सर। अब इसको एक्सपोर्ट करना है आपको, तो यहाँ एक्सेलेरेटर शोन में एक्सपोर्ट, अब इसको सेलेक्ट करके अगर मान लीजिए मुझे एक्सपोर्ट इन पीडीएफ करना है, तो देखिए पीडीएफ पे रिपोर्ट ऑल डेटा दिख गया आपको, इसको पब्लिश करना है। अब जाके ई ड्राइव में आप देखेंगे आ गया, एक हाँ सर। रिपोर्ट फॉर्मेट में है हाँ सर ना सर। बराबर। ठीक है, ठीक है सर। ये रिपोर्ट नहीं होता। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें, कल जो है हम बात करेंगे इस पे, रिपोर्ट में क्लियर रिपोर्ट होता है यहाँ पे इसके बारे में, तो डिफॉल्ट रिपोर्ट बताया मैंने, हाँ ये डिजाइन रिपोर्ट होता रिपोर्ट में आप कैसे अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाओगे उसके लिए। है। अच्छा। अभी रिपोर्ट। और सर दूसरा एक चीज़ मेरे पूछना था सर, हाँ